स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर ग्राफ थ्योरी में। तो यहाँ तक हमारा हो गया था कुर्टोस्की थ्योरम। ए ग्राफ इज प्लानर इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट कंटेन एनी सब ग्राफ दैट इज आइसोमॉर्फिक विद इन द वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2 टू आइदर K33 और K55। अगर हमें कोई भी ऐसा ग्राफ मिल जाए, सब ग्राफ मिल जाए उसके पास, किसी भी ग्राफ के पास प्लानर होगा विच इज आइदर आइसोमॉर्फिक टू K33 एंड K55। ठीक है, सब ग्राफ दैट इज आइसोमॉर्फिक टू विद इन वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2। ठीक है भाई, बस ये पीछे क्या था वैसे ही है प्लानर के बारे में भी। तो जैसे ये हमारे पास दे रखा है कि कुर्टोस्की का थ्योरम करना यूज करना है और ये प्लेनर दिखाना है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे घंटे, हम मान के चलेंगे कि ये ना होमोमॉर्फिक है किसके, K33 के। ठीक है, लेकिन लास्ट में जब हम इसको, मतलब इसके अंदर कितने वर्टिसेस और एजेस हैं इस डायग्राम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिनट भाई, कितने दिखा रहा है इसमें, अच्छा सिर्फ K33 की बात कर रहा है। K33 में 9 एजेस और 6 वर्टिसेस होते हैं और ईच की डिग्री 3 होती है। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन जी द डिग्री ऑफ ए बी ई एफ आर 4, वी कैन इलिमिनेट ए एफ एंड बी ई सो दैट द ऑल वर्टिसेस। देखो, सबसे पहले तो अगर हमें उसके जो K33 है उसके आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो K33 में 9 वर्टिसेस होते हैं और 9 एजेस एंड 6 वर्टिसेस, और डिग्री ऑफ ईच वर्टिसेस इज three। ऐसा करना चाह रहे हैं, तो हमें मिला कि हमारे जो ग्राफ में है कुछ वर्टिसेस ऐसे हैं, जैसे हमने देखा पूरे को, तो ए बी एफ ई इनकी जो डिग्री है वो कितनी जा रही है, 4। तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं एक एक, तो इनमें बराबर आ जाएगा। तो हमने जो ए एफ और बी ही है वो रिमूव कर दिए और डिग्री कितनी हो गई इसकी, जी डैस आ गया भाई। अब रिमूव वन एज फ्रॉम जी डैस वी गेट 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2। अगर इसमें से भी हम ध्यान से देखो, 2 वर्टिसेस को रिमूव कर दे, 2 वर्टिसेस को, तो सॉरी 1 एज को रिमूव कर दे, कौन से वाले को, देखो ध्यान से, वी कैन कैरी आउट सीरीज रिडक्शन, वी कैन इलिमिनेट ई एफ, ई एंड एफ को अगर इलिमिनेट कर दें तो यहाँ से डिग्री ऑफ एफ भी 2 हो जाएगी और उसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, तो नया देखो, नया ग्राफ जो आया वो इलिमिनेट करने के बाद आया। ठीक है, वी रिमूव ई एंड एफ, वी कैन ऑब्टेन, ई और एफ को भी हम हटा दें तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, K33 के पास 9 जो होते हैं एजेस होते हैं और 6 वर्टिसेस, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एजेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हो गए। अब डिग्री इसकी कितनी है, 3 है। दस द गिवन ग्राफ सब ग्राफ जी डबल डैश विच इज होमोमॉर्फिक टू K33। तो हमें क्या मिल गया, K33 के होमोमॉर्फिक मिल गया, तो जी क्या होगा, प्लानर नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट कंटेन एनी सब ग्राफ विच इज आइसोमॉर्फिक टू विद इन वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2 टू आइदर K33 और K55। इसमें दे रखा प्लानर होगा, तो ये चीज नहीं होगी, लेकिन हमारे पास ये चीज आ रही है, इट मीन्स दैट ये प्लानर नहीं। ठीक है, इतना था। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है, ये एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है जो हम लोग है ना कलरिंग करेंगे ग्राफ्स पे। तो कलरिंग करने का मीनिंग देखिए, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ, ए कलरिंग ऑफ जी, जी क्या है मेरे पास, सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ। ठीक है, कलरिंग ऑफ जी इज असाइन टू ए कलर टू ईच वर्टेक्स ऑफ जी सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस आर असाइंड द सेम कलर। हाँ भाई, 2 जो एडजेसेंट वर्टिसेस है ना उनको सेम कलर असाइन नहीं करना, ये ध्यान रखना है। 2 एडजेसेंट वर्टिसेस डज नॉट असाइन सेम कलर,
ये ध्यान रखो वर्टिसेस एक तरह से दीवार है, उनको पेंट करना है, ठीक है। तो जो दीवार एक दूसरे से मतलब एडजेसेंट है, पास पास है बिल्कुल, उनको सेम कलर नहीं करना है, ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। अब देखिए, द लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स नीडेड फॉर कलरिंग ए ग्राफ इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर ऑफ कलर। जो कम से कम आपने कितने कलर्स का यूज किया वो होता है क्रोमेटिक नंबर ऑफ कलर ऑफ जी, और डिनोटेड करेंगे इसको ऐसे, ये होगा क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी, ठीक है भाई। अब ये एग्जाम्पल है, देखो ये दिस, मैं बना देती हूँ एक बार इसका डायग्राम। ए बी सी डी ई, देखो भाई स्टार्ट करते हैं इसको हम, ठीक है। कलर करना हमें, तो कैसे कलर करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है, दो एडजेसेंट वर्टिसेस के पास सेम कलर नहीं होगा, ऐसा हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, देखो ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग पेंट कर देते हैं भाई, ठीक है। क्या है आपके, द ट्रायंगल ए बी सी नीड्स थ्री कलर्स, सपोज दैट वी असाइन सी वन टू ए एंड सी टू टू बी एंड सी थ्री टू सी। इसको मैंने ए पेंट कर दिया, इसको बी पेंट कर दिया, और इसको सी वन कलर कर दिया, सी टू कलर कर दिया, और सी थ्री कलर कर दिया, ठीक है। डी इज एडजेसेंट टू ए एंड सी, देखो डी जो वर्टिसेस है वो एडजेसेंट ए के साथ भी है और सी के साथ भी है, तो एडजेसेंट का मीनिंग, ठीक है। तो भाई डी पे हम सेम, क्योंकि कहा था कि जो वर्टिसेस एडजेसेंट है उन पे सेम कलर नहीं कर सकती, ये तीनों डिफरेंट थे हमारे पास, इन पे हमने सी वन सी टू एंड सी थ्री कलर कर दिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या, डी क्या है, एडजेसेंट विद ए अटैच है, और किसके साथ है, सी के साथ भी अटैच है ये वर्टिसेस, ठीक है। तो हम इस डी पे क्या करेंगे, ना तो ए वाला पेंट करेंगे, ना ही बी सी वाला पेंट करेंगे, ठीक है। वी नाउ इट विल बी असाइंड ए कलर डिफरेंट फ्रॉम सी वन एंड सी थ्री, तो सी वन और सी थ्री से डिफरेंट कलर रखेंगे, सो वी कैन पेंट बाई, देखो ये बात हुई थी कि एडजेसेंट नहीं कर सकती, तो इसको मैं सी टू तो पेंट कर सकती हूँ, कम से कम बी वाला तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पे हमने कौन सा पेंट किया, डी पे सी टू पेंट कर दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़िए, ई पे पेंट करना है। अब ई जो है एडजेसेंट है किसके साथ, ए के साथ भी है। अब देखिए आगे, ई इज एडजेसेंट टू ए डी सी, बिल्कुल भाई ए के साथ भी एडजेसेंट है, डी के साथ भी एडजेसेंट है, और सी के साथ भी। तो ना तो इस पे ए वाला कलर हो सकता, ना इस पे डी वाला कलर हो सकता, ना ही इस पे सी वाला कलर हो सकता। ए पे जो कलर है वो सी वन है, और सी पे जो कलर है वो सी थ्री है, और डी पे जो कलर है वो सी टू है, यानी कि सी वन सी टू सी थ्री में से किसी भी कलर का हम यूज नहीं कर सकते, तो इस पे हम पेंट करेंगे सी फोर कलर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी कितना हो गया, फोर, कम से कम हमने चार कलर्स का यूज किया, ठीक है। अब ये है एक एल्गोरिथम, एल्गोरिथम आपको पता होता है कि उसमें क्रोमेटिक नंबर ऑफ गिवन ग्राफ का जो होता है वो फाइंड आउट करना है, वेल्च पोवेल एल्गोरिथम, इसको पढ़ लेना एक बार, कुछ नहीं करना इसमें, हर वर्टिसेस की आपको डिग्री ऑब्टेंड करनी है, और वर्टिसेस को अरेंज करना है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। ये कहता है कि डिक्रीजिंग में करो तो आप डिक्रीजिंग में, ऑर्डर वाइज किसके हिसाब से करोगे, डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले पेंट किस पे होगा, सबसे पहले जो पेंट होगा वो किस पे होगा, जिसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम है, तो उस पे सी वन कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद पेंट होगा ए और सी पे, ठीक है, ए बी सी। तो सी वन किस पे किया, इसने एफ पे किया, एफ पे अगर सी वन कर दिया तो नेक्स्ट इसने स्टेप थ्री में पेंट ए सी विद कलर सी टू, बी ई विद कलर सी थ्री, और डी पे किया इसने सी फोर। क्रोमेटिक नंबर क्या आ गए, लेस देन इक्वल टू फोर। देर इज ट्रायंगल इन द गिवन ग्राफ, इस ग्राफ में क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल है हर किसी में, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ कलरिंग है वो कम से कम कितनी है, थ्री है आपके पास, ठीक है। तो एक बार इस एल्गोरिथम को पढ़ के, वेल्च पोवेल एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो, चाहे ऑर्डर द वर्टिसेस ऑफ जी अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग डिग्री, असाइन द फर्स्ट कलर टू दिस फर्स्ट वर्टेक्स एंड देन इज सीक्वेंशियली ऑर्डर, असाइन सी वन टू ईच वर्टेक्स विच इज नॉट एडजेसेंट टू ए प्रीवियस वर्टेक्स। अगर इसके प्रीवियस वर्टेक्स के कोई भी एडजेसेंट नहीं है तो आप उस पर सी वन ही कलर कर सकते हो, ठीक है। विच वाज असाइंड सी वन, रिपीट स्टेप टू विद ए सेकेंड कलर सी टू एंड द सबसीक्वेंस ऑफ नो
कलर्ड वर्टिसेस, थ्री करो सी थ्री करो, फिर फोर्थ करोगे तो सी फोर एंड सो ऑन, वर्टिसेस आर कलर्स, फिर सारे कलर हो जाएंगे तो आप उससे एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट भाई ये वाली जो आपकी यूनिट है ये ख़त्म हो चुकी है, और ये वाली थ्योरम अभी तक तो हमें इसका प्रूफ तो है नहीं कि जो एनी प्लैनर ग्राफ इज फुल कलरेबल, द क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए प्लैनर ग्राफ इज नॉट ग्रेटर देन फोर, चार से कोई भी प्लैनर ग्राफ है ना उस पर हम चार से ज़्यादा की कलरिंग नहीं कर सकते, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल तो देखो बना रखे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम बाद में ही देखेंगे, अगर हमें इसका प्रूफ कहीं से मिलता है तो बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो हमारी जो फर्स्ट सेकेंड यूनिट है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, देन उसके बाद हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें है डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब डायरेक्टेड ग्राफ का जो कंसेप्ट हम शुरू करेंगे उसमें क्या करते हैं हम ये कल कर लेंगे भाई, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ स्टार्ट कर लेंगे और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और आप मुझे जो भी प्रॉब्लम आती है वो भेज सकते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच।